देखिए क्वेश्चन दो में है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, 1 और -2, 3। देखिए एक लाइन है, ये एक कोऑर्डिनेट है जो 4 और -1 है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका जो है -2 और -3। आपको इसके तीन सेक्शन करने हैं 1, 2, 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, यहाँ कितना कोऑर्डिनेट आएगा और यहाँ कितना कोऑर्डिनेट आएगा। तो इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे जो कि इस प्रकार है, यहां दिया हुआ है M1। देखिए यहां M1 क्या है, इसके जो भाग करने हैं पहले आप इसको क्या करोगे कि एक और दो के अनुपात में कर लो, एक साथ तीन करने के बजाय पहले एक और दो के अनुपात में कर लो, यानी ये 1 हो गया और ये जो हिस्सा है ये 2 हो गया, 1 और 2 में कर लो, यानी M1 जो है आपका ये हो गया 1 और M2 हो गया आपका। और X1 X2 क्या है, देखिए जो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका हो गया, ये है आपका X1 और ये Y1 और ये X2 और ये Y2, बस इनको यहां वैल्यू रख दीजिए M1 X2। M1 मतलब 1 गुणा X2 कौन सा है -2 प्लस M2 यानी 2 गुणा M गुणा X1 यानी ये आपका 4 अपॉन M1 M2 यानी 1 प्लस 2, ये आपका हो गया x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी M1 Y2, M1 यानी 1 गुणा Y2 यानी -3, 1 गुणा -3 प्लस M2 यानी 2 गुणा Y1 यानी -1 अपॉन M1 M2 यानी 1 प्लस। चलो सोल्व कर लो, -1 और इसको किया तो कितना हुआ -2 हो गया x की वैल्यू, और 2 और 4 को किया तो 8 हो गया, +3 हो गया, 8 में से -2 घटा दिया तो 6 हो गया, तो ये हो गया 6/3 यानी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। और y की वैल्यू क्या होगी, y बराबर -3 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 3 हो गए, प्लस ये -1 को 2 से किया तो ये -2 हो गए, -2/3 यानी ये भी -3 है और ये भी -3 है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 5 हो गए, -5 हो गए -5/3 -5/3 ये होगी y की वैल्यू, ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखिए आपके पास में x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब क्या है 1/3 का तो आपका हो चुका ही, अब जो आपका बचा है आपका यहां से लेके यहां तक यानी 2/3 भाग बच गया, इसके भी आपको 2 भाग करने हैं। तो ये जो पॉइंट आपका आया है ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और -0.3 यानी अब आपका X1 जो है ये हो जाएगा और Y1 जो है ये हो जाएगा, बाकी आपको ये जो है इसके 2 भाग करने हैं, यानी M1 जो है 1 हो जाएगा और M2 आपका 1 हो जाएगा, 2 भाग कर दिए इसके, M1 और M2 हो जाएंगे आपके, दोनों इक्वल है, कुल 3 भाग है, 1 भाग तो हम देख लिया, 2 भाग जो है और देखेंगे। अब आपको इससे इससे कंपेयर करना है ठीक है, फॉर्मूला वही है, आप आइए x x इक्वल टू क्या होगा वही M1 X2, M1 कितना है यहां 1 है, X2 कितना है वही रहेगा -2 प्लस M2 कितना है 1 है और X1 ठीक है, X1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, और नीचे आपका M1 यानी 1 प्लस 1 तो ये कितना हो गया -2 और 1 तो -2 हो गया +2 हो गया, और नीचे क्या हो गया 1 और 1 ये 2 हो गया, यानी ये हो गया -2 -2 तो 0 हो गया, तो ये हो गया x बराबर 0/2, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा x बराबर 0, ये आपका अक्ष आ गया। अब आप निकालिए y की वैल्यू, यहां पर ये आएगा फॉर्मूला M1 Y2, तो M1 तो 1 है और Y2 कितना है, ये Y2 है -3, ये प्लस का निशान लगाओ, M2 यहां कितना है वो 1 ही है, और इसको गुणा करो Y1 से, यानी ये Y का 1 है -5/4, ये प्लस का निशान है, ये आपने यूं कर दिया, और उसके नीचे क्या आ जाएगा M1 + M2 यानी 1 + 1, हल कर लो y = -3 हो गया ही।
प्लस, अब देखिए इसको आप सोल्व कर लो, वन इसको इसका जो है ये गुणा है ना, ये माइनस पांच बटा तीन हो जाएगा, ये पांच बटा तीन और नीचे क्या आ जाएगा ये दो। पहले थ्री प्लस माइनस फाइव अपॉन तीन को सोल्व करो, तो ये हो गया माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव अपॉन थ्री, तो ये जो है इसका आप लगो इसको वन कर दो आप, ठीक है, और ये माइनस हो गया इसलिए प्लस की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब आप इसका एलसीएम लिए तो तीन आया, इसको तीन से तीन गुणा किया तो ये हो गया आपका माइनस नाइन, और माइनस ये हो गया आपका फाइव। ओके, तो कितना हो गया, माइनस नाइन और माइनस फाइव दोनों माइनस के हैं तो माइनस फोर्टीन हो गया अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन अपॉन थ्री अपॉन टू, यानी इसमें दो का भाग दे दीजिए माइनस चौदह में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस चौदह में दो का भाग दिया तो माइनस सेवन अपॉन थ्री। ओके, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ये हो जाएंगे जीरो, अक्ष की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू है माइनस सेवन अपॉन थ्री। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा आंसर दिया हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।